Hello children, now let us see what kind of questions can be asked on the redox reactions. So basically in the last video which you have seen, this is an extension of that. You have already understood what is oxidation reduction, what is species acting as a reducing agent and oxidizing agent. So here is a question. A reaction is given which is 2Cu2O plus Cu2S, which is yielding a product as 6Cu plus SO2. So you have to justify that this reaction is a redox reaction. Means हमें ये प्रूफ करना है कि reaction redox reaction है. और हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे? As we have discussed already in the previous videos, जो reaction redox reaction होती है उसमें simultaneous oxidation और reduction होता है, यानी एक species oxidize होती है और एक reduce होती है. सो एज सून एज एनी क्वेश्चन इज गिवन इन दिस फॉर्म कि आप प्रूव करें, जस्टिफाई करें कि रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आपको कुछ नहीं करना. आपको सिंपली उसमें कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सी रिड्यूस्ड है, विच इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट खोज लेना है. एंड देन यू कैन से दैट द गिवन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. सो वट एवर क्वेश्चन रिएक्शन इज गिवन, वी विल री राइट इट हियर. इट इज 2Cu2O plus Cu2S and it's giving you 6Cu plus SO2. Please keep one thing in your mind कि इस step तक आप पहुँचें, इससे पहले आपको oxidation state calculate करना आना चाहिए. अगर नहीं आता है तो आप playlist से second video देखें wherein I have taught how to calculate the oxidation state of any of the atom or the element in a molecule. मैं आपको एक example यहाँ करके बता देती हूँ. जैसे मुझे Cu2O में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है दोनों का, तो ऑक्सीजन का हमें पता होता है -2 होता है, राइट. और इसका हम x मान लेते हैं, ठीक है. तो कॉपर पे x चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है. तो Cu2 दो है, एक पर x चार्ज होगा तो दो पे कितना होगा 2x प्लस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है -2. एज अ होल इस स्पीशीज पर कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0. देन 2x ये -2 इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा एंड हैंस x इज इक्वल्स टू +2 बाय 2 इज +1. यानी इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और एक कॉपर पर +1 चार्ज है, ठीक है. हमेशा याद रखें जो हम ये चार्ज लिख रहे होते हैं वो एक एलिमेंट का होता है, ठीक है, एक एलिमेंट का होता है. सो हियर इफ वी सी सल्फर is in -2 oxidation state, so copper will be in +1. Solve कर लेंगे तो आ जाएगा. I told you previously also, अगर आपको कोई element, कोई भी species elemental state में दिखती है, जैसे copper यहाँ elemental state में अकेला लिखा हुआ है, या कोई molecule दिखता है तो उसकी oxidation state हमें 0 लेनी होती है. Again oxygen is -2, तो यहाँ sulfur पे +4 charge आएगा. आप solve करके देखें, ठीक है. हम इस स्टेप को ऐसे ही छोड़ेंगे. सॉल्यूशन के कुछ तरीके हैं, उन पर ध्यान दें. सबसे पहले आप क्वेश्चन की रिएक्शन जो दी हुई है उसको रीराइट करेंगे. आई हैव रीरिटन. सारी स्पीशीज के ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उस स्टेप को टीचर के रेफरेंस के लिए छोड़ देंगे, सो दैट द पर्सन कैन सी प्रॉपरली कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सही कैलकुलेट किया कि नहीं. उसके बाद आप इसे फिर से रीराइट कर लें एज इट इज, जैसा भी है पूरा का पूरा एज इट इज रीराइट कर लें. एंड देन व्हाट ऑल सॉल्यूशन इज सपोज टू बी डन वी विल बी डूइंग इन दिस स्टेप. अब इस स्टेप में आपको क्या करना है, प्रीवियस स्टेप में हमने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा था. सेकंड स्टेप में हम सिर्फ उन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जिनमें चेंज आया है, जिससे हम डाउट को अवॉइड कर सकें. आप चाहें तो सारा लिख सकते हैं बट डाउट ना हो, इसलिए सिर्फ पिन पॉइंट कर लें कि किस में चेंज हुआ है. तो मैं आपको बताती हूँ, कॉपर जो है वो LHS पे दोनों जगह +1 है और यहां पर 0 है, ठीक है, ओके. तो एक तो कॉपर में चेंज हुआ है, दूसरा देखें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ वही है, वो चेंज नहीं हुआ है. सेकंड चेंज है सल्फर. सल्फर आपका -2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, तो हम इस स्टेप में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ लिखेंगे. ऑक्सीजन के हमने छोड़ दी क्योंकि वो दोनों जगह -2 है, ठीक है. देन जब
अब यहाँ एक डाउट भी आ सकता है बच्चों को कि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सल्फर जो है -2 से +4 गया है, लेकिन कॉपर को मैं कहाँ से कहाँ समझूंगा कि इस कॉपर से इसे ऐड करूं कि इससे करूं। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखें कि जब एक स्पीशीज, ये स्पीशीज है, इसमें चेंज आ चुका है, तो जो दूसरा चेंज है वो दूसरी स्पीशीज में आएगा। तो इसको मैं अभी और समझा दूंगी। यहाँ कॉपर पे +1 चार्ज है और यहाँ 0 है, तो दूसरी स्पीशीज का चेंज हम इसे मानेंगे। नाउ सी आई विल मैच देम। तो ये डिक्रीज इन प्लस चार्ज है, ध्यान दें, +1 से 0 आई विल मैच देम। और यहाँ -2 से +4 है, दिस इज इंक्रीज इन प्लस चार्ज, तो मैंने इसको ऊपर मार्क कर दिया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ कहा था कि एक -2 से +4 आपने ये मैच कर दिया, तो आपके पास ऑप्शन था कि आप कॉपर को भी तो इस वाले कॉपर से इस वाले कॉपर को मैच करके बोल सकते थे कि यहाँ पे भी कुछ हुआ है, पर मैंने नहीं मैच किया। क्यों? क्योंकि एक स्पीशीज आपकी अगर ऑक्सीडाइज होती है या रिड्यूस होती है तो दूसरी उसके अपोजिट होती है, उसी सेम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप नहीं दिखाते, ठीक है। तो ऐसे आप डाउट को अवॉइड कर सकते हैं कि मैं इसको इससे ऐड करूं कि इसको करूं, तो इसीलिए हमने इसे नहीं किया है, इस वाले कॉपर को किया है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपने देखा यहाँ क्या हुआ, -2 से +4 यानी इंक्रीज इन प्लस चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन प्लस चार्ज इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन, सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन, ठीक है। साफ साफ लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर डिक्रीज इन प्लस चार्ज है, +1 से 0 पहुंच गया, सो दिस इज योर रिडक्शन, डिक्रीज इन प्लस चार्ज इज रिडक्शन, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में याद करें मैंने आपको कहा था, बताया था कि इंक्रीज इन प्लस चार्ज या डिक्रीज इन माइनस चार्ज ऑक्सीडेशन होता है, और डिक्रीज इन प्लस चार्ज एंड इंक्रीज इन माइनस चार्ज रिडक्शन होता है। सो ऑन द सिमिलर नोट्स आई हैव डन दिस। यहां पर प्लस चार्ज बढ़ता हुआ दिखा तो ऑक्सीडेशन, यहां पर प्लस चार्ज डिक्रीज होता हुआ दिखा तो रिडक्शन, राइट। सो द कंक्लूजन्स विच वी कैन राइट, हमसे कहा है जस्टिफाई करें ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हम पूरा लिखकर बताएंगे कि इन द अबव रिएक्शन, दिए हुए रिएक्शन में व्हाट वी हैव सीन। सो सी इस रिएक्शन में क्या हुआ है, कॉपर इज रिड्यूस्ड, या हम रिडक्शन वर्ड लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे अंडरगॉन रिडक्शन। रिड्यूस्ड और रिडक्शन का मतलब एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कॉपर इज रिड्यूस्ड और यू कैन राइट कॉपर इज अंडरगॉन रिडक्शन या कॉपर हैज अंडरगॉन रिडक्शन। सो कॉपर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +1 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। साइमल्टेनियसली सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम -2 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने जो रिड्यूस हुए और ऑक्सीडाइज हुए वो स्पीशीज ढूंढ लिए। दस द रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि हमें जो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज स्पीशीज है वो दोनों मिल गई हैं। नाउ विल गेट बैक टू द क्वेश्चन एंड सी, यहाँ पर कुछ दो नए वर्ड्स हमें देखने को मिले, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ये वर्ड हमने अभी तक नहीं, सो प्लीज नोट, ऑक्सीडेंट वर्ड हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कहते हैं, मतलब ये दूसरे टर्म्स हैं, इनका मतलब सेम होता है, और रिडक्टेंट को मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें भी कंफ्यूज ना हो। आप ऑक्सीडेंट लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हैं, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो वी हैव प्रूव्ड दैट इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियसली यू कैन से दैट द सल्फर अंडरगॉन ऑक्सीडेशन एंड इज अ रिडक्टेंट और इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो यू मे एड हियर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और यू कैन गिव अ नोट डाउन साइड। And copper has undergone reduction, so it's a oxidizing agent. Moreover, question ने आपसे oxidizing agent, reducing agent word use नहीं किया था, उन्होंने oxidant, reductant use किया था,
तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह लिख सकते हैं कॉपर हैज अंडरगॉन रिडक्शन एंड इट्स अ ऑक्सी ऑक्सीडेंट एंड सल्फर इज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन एंड इज व्हाट रिडक्टेंट. सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्वड. आई होप दिस वॉज क्लियर. प्रैक्टिस मोर ऑफ द रिएक्शन सो दैट यू आर परफेक्ट इन दिस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.